क्योंकि सॉलिडिटी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो जो भी लैंग्वेज कंपाइल लैंग्वेज होती है उसका कंपाइलर होता है जो कि उसे कंपाइल करके उसका बाइट कोड जनरेट करता है। तो सॉलिडिटी का भी कंपाइलर मौजूद है सोलसी के नाम से। आप उसके थ्रू सॉलिडिटी के कोड को कंपाइल करेंगे। जब आप उसके कोड को कंपाइल करते हैं तो आप, जैसा कि हमने रिमिक्स के थ्रू देखा कि हमने कोड लिखा, डिप्लॉय किया, और गेट के थ्रू, हम जो भी मेटामास्क के थ्रू जो भी सारे काम करते हैं उन सब को सॉलिडिटी पहले कंपाइल करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप रिमिक्स के अंदर अगर सॉलिडिटी लिखेंगे तो वो पहले कंपाइल होती है, तो उसका कंपाइलर मौजूद है, तो वो सॉल्सी के नाम से है। जो भी आप सॉलिडिटी का कोड लिखेंगे पहले उसको कंपाइल किया जाता है। वो दो चीज़ें जनरेट करता है, एक सॉलिडिटी का बाइट कोड जो कि इथेरियम पे डिप्लॉय होता है, दूसरा ABI फाइल यानी कि इंटरफेस जनरेट करता है, एब्स्ट्रैक्ट बाइनरी इंटरफेस, जो बताता है कि आपके इस कॉन्ट्रैक्ट में इसका नाम क्या है, कौन कौन से फंक्शन है, कैसे उससे कम्युनिकेट करें। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम पे डिप्लॉय हो जाता है, जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे इंटरेक्शन, उसके लिए वो ABI फाइल काम में आती है। उस ABI फाइल में लिखा होता है कि इसमें कौन से फंक्शंस हैं, क्या उनका इनपुट है, क्या उनका आउटपुट है, वो सारी चीज़ें उसके फाइल उस ABI फाइल में मौजूद होती हैं। तो आप रिमिक्स के थ्रू जब कोड लिखते हैं और उसको डिप्लॉय करते हैं और रिमिक्स में आपको बटन नज़र आ जाते हैं, आप उस पर क्लिक करके फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, तो वो उसकी ABI फाइल के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा होता है रिमिक्स आपके सॉलिडिटी के कोड से। तो जब आप रिमिक्स के पे काम करते हुए, आपको ज़रूरत नहीं है कि सॉलिडिटी का कंपाइलर आप अलग से डाउनलोड और सेटअप करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारा काम खुद करना तो आप एक सॉलिडिटी का कोड लिखें, सॉलिडिटी का कंपाइलर डाउनलोड करें, सॉल्सी स्पेस सॉलिडिटी की फाइल दें, वो कंपाइल करेगा, बाइट कोड आपका बिल्ड जनरेट करेगा, बिल्ड का फोल्डर जिसमें बाइट कोड और ABI होगा, और आप डिफरेंट ब्लॉकचेन पे जाके खुद से उस बाइट कोड को डिप्लॉय कर सकते हैं। जब आप उसको डिप्लॉय करें तो ये एक हैसल बेस्ड वर्क है, इसलिए अगर आप सॉलिडिटी पे इंडिपेंडेंटली सिर्फ कंपाइलर के थ्रू काम करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टेप्स खुद करने पड़ेंगे, डिप्लॉय करना, ये सारे स्टेप्स सारे खुद फॉलो करने पड़ेंगे कंपाइलर के थ्रू। रिमिक्स के थ्रू अगर आप काम करेंगे या ट्रफल के थ्रू काम करेंगे तो आपको इन सारे प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा, वो सारे काम डायरेक्ट हो जाते हैं।